मेरे सारे नियोजित शिक्षक, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मेरे साथ अभी अधिवक्ता दिलीप सर, और जैसा कि मैं आप लोग से बताया था कि मैं सर से मिलूंगा और कोर्ट में क्या कुछ चल रहे हैं और कोर्ट में कब सुनवाई है और इस पर कितना तैयारी है और क्या कुछ होने वाले हैं, कितना सख्ती से कोर्ट में केस लड़ा जाएगा, सारा कुछ मैं इनसे जानूंगा। और जैसा कि अभी आप लोग को अभी कोर्ट में चल रहे हैं, बहुत सारे बातें की जा रहे हैं कि कोर्ट में मैटर जाएगा तो बताए जाएंगे कि 70% जो शिक्षक हैं वो लोग फॉर्म भर रहे हैं तो यहीं पर रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, तमाम सारे मैटर पर मैं बात करूंगा। और ऐसे में मेरे साथ अधिवक्ता दिलीप सर, तो सारा कुछ जानूंगा। सर, बातें की जा रहे हैं तो 70% जो है शिक्षक लोग फॉर्म भरे हैं और एग्जाम दिए हैं, तो क्या ये कितना इफेक्ट पड़ सकता है सर कोर्ट के सुनवाई में? कुणाल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षकों के बात को उठाने के लिए। ऐसा है कि जो 70% फॉर्म फिलअप किए हैं, अब इसका हमारे पास तो एक्यूरेट आंकड़ा है नहीं, आप लोग के पास एक्यूरेट आंकड़ा होगा तो आप बता सकते हैं कि कितने परसेंट हुए हैं। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि जो भी नियोजित शिक्षक फॉर्म फिलअप किए हैं सक्षमता परीक्षा देने के लिए, वो नौकरी जाने के भय से किए हैं। नौकरी चूंकि सबसे प्यारा है, बेरोजगारी बहुत भीषण है, आदमी बेरोजगारी की चक्की में पीस रहा है, इसलिए मजबूरी में जो है वो परीक्षा देने के लिए बली का बकरा की तरह जा रहा है। इसको जो है बली का बकरा बनाया जा रहा है कि तुमको चढ़ना है देवी पर, तो इसी तरह से लोग परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं। एक्चुअली में इनके परीक्षा लेने का कोई औचित्य नहीं है, और यह जो है किसी भी कीमत पर इसको, यह जो है सक्षमता परीक्षा जो ली जा रही है वो उचित नहीं है, न्यायोचित नहीं है और अनकंस्टिट्यूशनल है। अनकंस्टिट्यूशनल इस मायने में है कि जो नियोजित शिक्षक जिनको आपने 20 वर्ष पहले बहाली किया है, वो 20 वर्ष पहले जो आपने बहाली किया वो उस समय के तत्काल नियमानुकूल 2006 जो है 2006-12 और 20 के अनुसार आपने बहाली किया जो है पंचायती राज अधिनियम के तहत, और जब आपने उसकी बहाली जो है संविधान के तहत किया, अब वो जो है सक्षम नहीं थे। अगर यह बिहार सरकार कहती है कि वो टीचर सक्षम नहीं थे, तो हम समझते हैं कि बिहार सरकार जो है अपने बहाली को ही गलत मान रही है। तो इसमें शिक्षकों की दोष कम और सरकार का दोष हमको ज्यादा नजर आता है। सरकार ने जब यह भी नहीं समझा कि यह टीचर पढ़ाने के लायक है कि नहीं है, तो इस तरह से अगर सरकार ने सक्षम को बहाल किया है और बिहार के विद्यार्थियों के साथ के जीवन के साथ जो खिलवाड़ किया है उसके लिए पूरे रूप से जो है बिहार सरकार दोषी है, कहीं से नियोजित शिक्षक दोषी नहीं है। इसलिए नियोजित शिक्षक से एग्जाम लेने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है। जितने नियोजित शिक्षक हैं, ये जो चैनल है और जो मैं आवाज उठा रहा हूं, ये सिर्फ मेरा आवाज नहीं है, ये आपका भी आवाज है। मेरे जितने साथी हैं, मेरा रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर चाहते हैं कि नियोजित शिक्षक को जीत मिले, नियोजित शिक्षक सफल हो, जितने भी नियोजित शिक्षक उनको राजकर्मी का दर्जा मिले, तो इस चैनल से जुड़कर जरूर हम लोग साथ में आवाज उठाएंगे और यह आवाज सारे तक गुंजना चाहिए। और जब तक हम लोग सफल नहीं हो जाएंगे अपने प्रयास में, जब तक राजकर्मी का दर्जा नहीं मिल जाएगा, एचसी ट्रांसफर का बात नहीं किए जाएंगे, तब तक हम लोग लड़ाई को लड़ते रहेंगे। जितने साथी हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके सपोर्ट जरूर करिएगा। सर, अभी के पाठक को आप देख रहे होंगे, बहुत सारे न्यूज में चल रहे हैं, के पाठक अब बिहार छोड़कर जा रहे हैं, तो वही एग्जाम को जितना भी नियम हुआ है उन्हीं के द्वारा बनाए जा रहे थे, जितना कुछ भी हो रहे थे, और उनको लेकर लगातार कभी विधानसभा में सांसद शिक्षा मंत्री सम्राट जो चौधरी हैं खुद वो आवाज उठा रहे थे, तो अब वही लोग अब वो तो चले गए सर, तो उनका जो नियम बनाए हुए थे तो वो तो नियम सारे गलत थे, तभी तो उन पर आवाज उठ रहे थे, तभी तो उनको हटाया गया। तो सर, ये नियमावली भी गलत हो सकता है सर, जो 309 के तहत अभी एग्जाम लिया जा रहा है सक्षमता परीक्षा, तो वो भी गलत। देखिए, 309 के तहत जो सक्षमता परीक्षा लिया जा रहा है, तो सबसे पहली बात तो है कि विधि बनाने का काम जो है विधायिका का है और कार्यपालिका का काम है केवल उसको एग्जीक्यूट करना। तो आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं टीवी के न्यूज पर भी और विधानसभा में भी, मुख्यमंत्री ने स्वयं 3 बार कहा विधानसभा में कि भाई हम इस पर विचार करेंगे। लव के पाठक से भी कहा, समय के बारे में भी कहा, जो 9 से 5 किए थे उस पर काग नहीं, 10 से जो है 4 ही विद्यालय चलेगा। तो इस तरह से जो है सरकार जो है भी के पाठक के उस निर्णय को सही नहीं मान रही है जो निर्णय के पाठक ने लिया है। के पाठक का काम केवल कार्यपालिका का है, एग्जीक्यूट करना है, जो कानून विधायिका बनाएगी उसको एग्जीक्यूट करना है, कोई अपने स्तर से कानून बनाने का काम जो है वो कार्यपालिका का नहीं होता है। सर, ये कितना इफेक्टिव हो सकता है अगर जितने नियोजित शिक्षक है उनका मांग पूरा नहीं किया गया, वो बिना एग्जाम का सक्षमता परीक्षा का राजकर्मी का दर्जा मांग रहे हैं, चाहे जो कुछ भी मांग रहे हैं और अपना मांग जो रख रहे हैं उनको पूरा नहीं किया जा रहा है। तो सर, नियोजित शिक्षक 4.5 लाख है, लाखों में है उनका फैमिली है, अभी इलेक्शन है, अगर सरकार बात नहीं मानती है तो कहीं नहीं इलेक्शन कहीं ना कहीं सरकार पे इफेक्ट पड़ सकता है। देखिए, इलेक्शन और सरकार पर इफेक्ट तो दूसरी बात है, वो तो सरकार का हित होगा ही, चूंकि जहां भी वोटिंग करवाने जाते हैं तो उसमें शिक्षक का महत्वपूर्ण भूमिका रहता है, तो वो तो बिहार सरकार को होगा ही, लेकिन हमको सरकार को घाटा होगा इससे हमको लेना देना नहीं है, पॉलिटिकल बात करने आनी है। हम कह रहे हैं कि इस परीक्षा लेने का औचित्य क्या है,
इस परीक्षा का कोई औचित्य ही नहीं है। ये आप बात अलग है कि आप राजकर्मी का दर्जा दोगे या नहीं, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क करोगे कि नहीं, क्योंकि संविधान में यह व्यवस्था है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो जब भाई नियोजित शिक्षक और जो बीपीएससी के तहत परीक्षा देकर आए हैं वो शिक्षक, दोनों का काम एक है, इक्वल है, दोनों को काम पढ़ाना है, दोनों का काम उतना ही ड्यूटी करना है, उतना ही टाइम तक करना है, तो ये तो संविधान का प्रोसेस है ना, ये तो संविधान में सीधा लिखा हुआ है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की व्यवस्था है। तो जो वर्क इक्वल होगा तो पे भी इक्वल हर हाल में होगा, यही न्याय संगत है। अगर इक्वल पे नहीं होता है तो हम समझते हैं कि जो शिक्षक नियोजित शिक्षक हैं उनके साथ हाकमारी किया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है ताकि मजबूर होकर वो राजकर्मी का दर्जा नहीं मांगे। सर एक और सवाल है, अभी जो भी कुछ हो रहे हैं, अभी एग्जाम भी ले लिए गए, अभी रिजल्ट देंगे और ऐच्छिक ट्रांसफर का बात किया जा रहे हैं, को अपने मन मुताबिक से ट्रांसफर ले सकते हैं अपने जिला में चाहे कहीं भी, अपने मन मुताबिक से उसका ही बात किया जा रहा है। जैसे ही राजकर्मी का दर्जा मिलेगा वो तो मिल जाएंगे, वो तो बड़ा बात नहीं है, पर जहां तक बात है सर, 20 साल से 25 साल से जो टीचर लोग जितने नियोजित शिक्षक है अपना जॉब कर रहे हैं, अब उनका टेस्ट लिया जा रहा है, यानी कि मैं मान सकता हूं कि सरकार का कहने का मतलब है कि सारे जितने भी नियोजित शिक्षक वो लोग सक्षम नहीं थे 25 साल से, वो लोग बिहार में बस फर्जीवाड़ा चल रहा था, शिक्षा विभाग का मतलब शिक्षा का मजाक बनाए जा रहे थे, आज उनका आंख खुला है टेस्ट लेने का। देखिए कुणाल जी, हमने पहले भी आपसे कहा इस बात को कि देखिए अगर यदि जो बिहार सरकार इस पे उंगली उठाती है कि ये सक्षम नहीं है, इसका सीधा सीधा जो है से बात यही होगा, सीधा सीधा यही प्रश्न सामने आएगी, इसका मतलब है कि असक्षम लोगों को बहाली करके सरकार ने जो है विद्यार्थियों के लाइफ के साथ खिलवाड़ किया है, बिहार के तमाम विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है, इसलिए कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। तो जो सरकार अगर इस तरह की बात करती है कि ये सक्षम नहीं है इसलिए इनको निकाल दिया जाएगा, भाई इतने दिन से आप असक्षम को कैसे पढ़वाते रहे स्कूल में, जब वो खुद असक्षम है तो विद्यार्थी को क्या पढ़ाएंगे और कैसे विद्यार्थी का जीवन सफल बनेगा। तो आप 20 वर्ष से तो विद्यार्थी जो 20 वर्ष से विद्यार्थी पढ़े और आज वह जॉब के लायक हो गए हैं, उनका शिक्षा ही तो नहीं उचित नहीं है आपके अनुसार, असक्षम लोग पढ़ाए हैं तो विद्यार्थी कैसे सक्षम होगा। इसका मतलब बिहार के विद्यार्थियों के जीवन के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ इस सरकार ने किया है जो कहीं से भी माफी के लायक नहीं है। अगर ये शिक्षक असक्षम थे तो किसी भी कीमत पर इस शिक्षक को बहाल नहीं करना चाहिए था, और जब भी बहाल करना चाहिए था तो सक्षम शिक्षक को बहाल करना चाहिए था। इसलिए दोगली वाली नीति नहीं चलेगी सरकार की कि वो असक्षम थे। जब आपने एक बार कानून के तहत उनकी बहाली लिया, उनका जांच किया, उनकी प्रक्रियाएं पूरी की, उनकी अर्हताओं को चेक जांच किया, और अब आप कहते हो कि भाई ये सक्षम है कि नहीं, तो ये तो एक तरह से जो है शिक्षकों के साथ अन्याय किया जा रहा है, उनको प्रेशर दिया जा रहा है, कंपेल किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, और यो कहिए कि उनके मान सम्मान पर गंभीर कुठाराघात किया जा रहा है। सर जो नया नया टीचर बहाल हो रहे हैं, बीपीएससी TRI-1 TRI-2 जो बहाल हुए हैं, उनमें भी देख रहे होंगे सर सवाल पूछते हैं कुछ भी, शिक्षा मंत्री कौन है, बीपीएससी का फुल फॉर्म क्या है, तो वो भी नहीं बता पाते, तो एक आध दो शिक्षक तो कहीं भी वो लोग मिल जाते हैं। सर तो मैं जानना चाहता हूं कि जो अभी हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाले हैं, तो नियोजित शिक्षक के हक में कितना फैसला होने वाले हैं, क्या नियोजित शिक्षा के हक में ये फैसला आने वाले हैं, क्योंकि तरह तरह का बातें चल रहे हैं, और लास्ट उम्मीद है सर हम लोग का कोर्ट, क्योंकि सरकार भी रवैया गलत चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, हम लोग अनशन करते हैं तो हम लोग को मारा पीटा जाता है, आंदोलन करते हैं तो मारा पीटा जाता है, तो कोर्ट पे हम लोग सहारा है, तो क्या कुछ लगता है सर कोर्ट हम लोग के पक्ष में कुछ फैसला दे सकता है। देखिए कुणाल जी, ऐसा है कि अभी जो है बिहार में बीजेपी एनडीए की सरकार है, जिसमें बीजेपी जो है बराबर का भागीदार नहीं बल्कि ज्यादा का भागीदार है, और यही बीजेपी के लोग जब विपक्ष में थे तो शिक्षकों के मुद्दा को बहुत गंभीरता से उठाया था, बहुत जोर शोर से उठाए थे, और अब जब वो खुद सरकार में है और शिक्षा विभाग उन्हीं को मिला हुआ है, तब अगर जो है शिक्षकों के साथ अन्याय होती है तो जो है बिहार सरकार या बीजेपी खास करके कहिए, जिनको यह शिक्षा विभाग आवंटित किया गया है, वो जो है से मुख दर्शक रहते हैं, पति का चीर हरण होता है और भीष्म पितामह और कर्ण की तरह चुपचाप देखते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी जो पहले शिक्षकों के पक्ष में बोल रहे थे, उनको अपने गिरिबान में झांकना चाहिए कि हमने क्या कहा था और सरकार में आते ही हमने अपना क्या गिरगिट की तरह रूप बदल लिया है। इसलिए बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के सामने भी, भाई पक्ष में रहोगे तो कुछ बोलोगे, विपक्ष में रहोगे तो कुछ बोलोगे, आप तो क्या समझे यहां के शिक्षक लोग कि केवल विपक्ष में रहने के बाद ही हल्ला लोग करते हैं, पक्ष में जाने के बाद या बिहार सरकार
सरकार न्याय नहीं दे सकती है। अब रही न्यायपालिका की बात, तो न्यायपालिका जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है, और वह जो निर्णय देती है, वह देती है निर्णय जो विधि सम्मत होता है, जो कानून प्रोवाइड करता है, जो नियमावली प्रोवाइड करता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। तो जिस नियमावली के तहत टीचर का बहाली हुआ है, अगर टीचर उस नियमावली के तहत बहाल किए गए हैं और उस नियमावली के अनुसार जो है सक्षम, वो जो है पात्र पाए गए हैं, तो अब तो उनको सक्षम होने का कहीं से कोई प्रश्न नहीं होता है। अक्षम कैसे हो जा सकते हैं भाई, जो 20 बरस पढ़ाने के बाद, जो 20 बरस पहले जो है सक्षम थे, अब अक्षम हो गए, तो 20 बरस पढ़ाने के बाद मैंने उनमें और जो है से उनमें जो है क्वालिटी बढ़ना चाहिए, तो सरकार कह रही है कि क्वालिटी घट रहा है। इस तरह से जो है शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, और इस तरह की बात कुछ होगी नहीं, चूंकि आ रहा है इलेक्शन, तो सरकार देख रहा है कि हम इस तरह कहते कहते इलेक्शन बात कहते कहते ना हमने आपको मान लिया, आपको कोई परीक्षा देना नहीं है, और उसका बेनिफिट लेने के लिए इस तरह से एक सरकार का सुनियोजित जो है कार्यक्रम चल रहा है और शिक्षकों के साथ, और अंत में वही जो उनका है वही देके कहेगा आपको तो हमने दे दिया। तो मैंने कुछ लगा भी नहीं, हैरान फिटकरी लगा और स्वाद हो गया चोखा, वही करने जा रहे हैं बिहार सरकार। न्यायालय से नियोजित शिक्षकों को 100% न्याय मिलेगी, और उनको जो है अक्षम कभी भी घोषित नहीं किया जा सकता है, जो पहले ही पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं, इसलिए उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उनका साथ न्यायालय रहेगा, न्यायालय में 13 तारीख को सुनवाई होने वाली है, और हमको लगता है वो अगर सुनवाई 13 को पूरी हुई तो शिक्षकों के पक्ष में फैसला आ जाएगा। तो जैसा कि आपने सर को सुना, सर ने 100% गारंटी के साथ दावा ठोक दिया कि जो कोर्ट है ये स्टूडेंट के पक्ष में फैसला आने वाला है, क्योंकि कहीं से भी जो नियोजित शिक्षक है असक्षम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उनका 10 परीक्षा हो चुका है। तो जितने मेरे साथी हैं, 13 तारीख को हम लोग का बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। जितने मेरे नियोजित शिक्षक हैं, बहुत ही जल्द जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आप लोग के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा, और 13 तारीख को जो भी अपडेट होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन होगा कोर्ट का, मैं सर से लाइव अपडेट आप लोग को डायरेक्ट कोर्ट से दिलवाऊंगा। जितने मेरे साथी हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहिएगा।